अस्सलाम वालेकुम, इंडियन रेसिपी बेस्ट में आपका स्वागत है। तो आज बना रहे ब्रेड के भजिए। आज अपन बना रहे ब्रेड के भजिए। ब्रेड के भजिए बनाने के लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। कोई नहीं, ज़्यादा सामान नहीं लगता, थोड़ा सा ही सामान लगता है। ये देखिए मैं बताती हूँ आपको। मैंने आधे से आधा चम्मच काली मिर्ची ली हूँ, आधे से आधा चम्मच जीरा ली हूँ, दो सूखी लाल मिर्ची ली हूँ। इसको ये तीनों को भी मैंने अच्छे से भून ली हूँ ब्राउन कलर, हल्का मतलब अपने को जलाने का नहीं, हल्का मतलब ब्राउन कलर करें। तीन चम्मच मैंने चने का आटा ली हूँ। अब इसको मैं ये तीन चीज़ों को कूटती हूँ, कूटने के बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने ब्रेड काटी हूँ, ऐसा अक्खा ब्रेड ऐसा रखी हूँ। ये देखिए ऐसा रख के इसमें बीच में से मैंने ऐसा करके इस तरीके से काटी हूँ। ये अच्छा भी लगता है दिखने के लिए, और इसीलिए ऐसा मतलब टेस्ट की बात नहीं है, खाने के लिए दिखने के लिए शो के लिए भी अच्छा लगता है। इस तरीके से काटी और जीरा और मिर्ची काली मिर्ची सब कूटी मैंने, वो मैं अब चने के आटे में डाल रही हूँ पूरा। ये देखिए वो पूरा डाली। मैं मेरे टेस्ट के हिसाब से नमक लेती हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक लेना। और थोड़ी सी आधे से आधा चम्मच मैं हल्दी डाल रही हूँ। ये देखिए आधे से आधा चम्मच हल्दी और थोड़ी सी मैं कोथमीर डाल रही हूँ इसके अंदर। ज़्यादा नहीं, इतनी सी कोथमीर है देखना। हाँ, अब इसमें अच्छे से मिलाऊंगी। पहला ये सूखे आटे को मैं मसाले में अच्छे से इस तरीके से देखो हिला के अपने को पूरा मिलाने का है। बाकी कुछ भी नहीं, इसमें ज़्यादा सामान नहीं पड़ता, कुछ नहीं, जल्दी से अपन ये बना सकते हैं। शाम में अगर भूख लगी है, नाश्ता बनाना है, तो ये भी बना के आप खा सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल रही, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपने को आटे को मिलाने का। क्यों तो एकदम अपने को पतला भी नहीं करना, एकदम अपने को गाढ़ा भी, ठीक भी, एकदम गाढ़ा भी नहीं चाहिए। हाँ, उस हिसाब से ये देखिए ऐसे चटपटा, मतलब ये काली मिर्ची जीरा और सूखी लाल मिर्ची में पीस के डाली ना, ये सब डालने से क्या होता है, चटपटा थोड़ा ब्रेड के भजिए लगते, नहीं तो सिर्फ ऐसे बनाएंगे तो फीके फीके लगेंगे खाने में। ये आप ऐसे बना कॉफ़ी चाय के साथ पी लो शाम के टाइम पे, या नाश्ते में बना के दे दो, अच्छा लगता है। ये देखिए हाँ, अब मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी बस, इसको ऐसा मिला के बस। अब इसको ज़रूरी नहीं 5 मिनट 10 मिनट रखने का, आप मिला के फौरन बना भी सकते हैं। देखिए मैं फ्राइंग पैन की कढ़ाई रखी हूँ, ये गरम हो गया है तेल, तेल डाल के रखी थी मैं। जैसे अपने को फ्राई करने के लिए पपड़ विपड़ तलने के लिए अपन तेल डालती है, उस हिसाब से मैंने तेल डाली हूँ। हाँ, अभी मैं इसमें ऐसा डीप करती हूँ। अपने को ब्रेड को भिगा के नहीं रखना है, हाथ से फौरन डीप करके बिस्मिल्ला, ये देखिए इस तरीके से अपने को डाल देना है। हाँ, मतलब अगर डुबा के अपन ऐसे भिगा के रखेंगे तो ब्रेड के टुकड़े हो जाएंगे। इसी तरीके से अपने को ये चने का आटा ऐसा ऊपर ऊपर ऐसा वैसा लगाने का पेस्ट, और देखिए इस तरीके से बस मैं दो दो करके डालूंगी। अभी अपन देखेंगे, पलटी करेंगे इसको, अभी तक पीछे का हिस्सा हुआ नहीं है इसीलिए पलटी हो रहा नहीं है। देखिए ऐसा ऐसा इस तरीके से अपन तेल डालेंगे इसके ऊपर। अभी इसको होने दो, अगर मतलब थोड़ा नीचे चिपकेला है इसका मतलब हुआ नहीं, अगर होता तो ये फौरन निकल जाता। हाँ, देखेंगे अभी, ये देखिए अब पलटी करेंगे, देखिए बहुत टेस्टी लगते हैं, अच्छे लगते हैं। सुबह में अगर अपने को अपने बच्चे लोग को टिफिन में देना है तो वो भी जल्दी जल्दी में दे सकते हैं। बस ये साइड से तो अपना बन गया है, बस वो साइड से थोड़ा बन गया तो उतारेंगे। इसी तरीके से अपन अभी ये दो पीस मैंने बनाई हूँ, इसी तरीके से अपने को सब बनाना है। हाँ, अब मैं ये निकालती हूँ। हाँ, इस तरीके से ये भी डाल दी जैसा पहला डाली थी उसी हिसाब से, वैसे ही मैं अभी तुम इसको पलटी करेंगे। हाँ,
देखिए इस तरीके से मैं रखना चाहिए थी बड़ी कढ़ाई, पर रखी मैंने छोटी वाली, ये मेरे से मिस्टेक हो गई। आप है ना बड़ी कढ़ाई रखना, हाँ क्या बड़ी कढ़ाई रखने से खुला खुला बनेगा ना तो अच्छा लग बनेगा, मेरी मेरे को लगा इसमें हो जाएगा करके, इसलिए मैंने छोटी वाली रख दी बड़ी रखने की जगह। आप मेरी जैसी गलती नहीं करना, हाँ अभी ये हो गया है, इसको भी अपन निकालेंगे। हाँ तो देखिए ब्रेड के भजिए रेडी हो गए हैं, तो आप लोग भी ज़रूर बनाना और कमेंट बॉक्स में लिखना कैसे बने, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।